वेलकम टू कुकिंग जंक्शन। आज मैं अंडे की बिरयानी बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने अंडा उबाल कर और इसे रख लिया है छिलकर, और दो बड़े साइज का टमाटर जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, एक दो बड़े साइज का प्याज है जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और एक प्याज बड़े साइज का इसे भी बारीक काट लिया है, धनिया पत्ती और हरी मिर्च 4 से 5, नमक और दही लिया है 1 कटोरी, और चावल बनाने के लिए यहाँ पे बासमती चावल लंबे साइज का लिया इसे, जिसे आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख लिया था। और चावल में डालने के लिए जीरा, स्या जीरा, दालचीनी 3 टुकड़ा छोटा छोटा, और 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 जावित्री, 2 हरी इलायची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें तेल डालेंगे 2 चम्मच से, बड़े चम्मच से डालेंगे या अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। इसमें सारे खड़े गरम मसाला डालेंगे, ऐसे सौटे करेंगे। मसाला छिटक चुका है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे, नमक 2 टेबल स्पून डालेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से देंगे, और 1 बड़ा चम्मच से ऊपर नीचे कर लेंगे। चावल ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट जाएगा। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी 1.5 जाएगा, यानी जितना चावल लेंगे उसका 1 और आधा पानी जाएगा, और नमक को टेस्ट करके देख लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमने नमक को टेस्ट करके देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। और इसे ढक देंगे, चावल हमारा पकने देंगे। जब तक चावल पक रहा है हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं अंडे की। प्याज से फ्राई कर लेंगे, ये बिरयानी का कलर गुलाबी हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेंगे, इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। सारे अंडे को इसी तरह से कर लेना है, ऐसे फ्राई कर लेंगे। और चावल का पानी थोड़ा सूख चुका है, तो एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे गलने तक और पानी सूखने तक पकाएंगे। इसका कलर गुलाबी हो चुका है, इसका फ्राई हो चुका है, इसे छान कर निकाल लेंगे। इसी तेल में प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर इसे भी डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून डालना है, और इसे पकाएंगे, प्याज और टमाटर गलने तक पकाएंगे। थोड़ा पानी भी डाल देंगे, दही, इसे मसाला को गलने तक पकाएंगे, जब तक टमाटर, प्याज और सारे मसाला गल जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसे भी डाल देंगे। मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, इसमें अंडा डाल देंगे, ये हमारा ग्रेवी तैयार हो गया है। चावल को थोड़ा निकाल लेंगे, और ये चावल जो हमने निकाला है इस पर ऊपर से बिछा देंगे, इस तरह से इस पर फूड कलर देंगे। कटी हुई प्याज, तली हुई जो प्याज है उसे डाल देंगे इसके ऊपर, ऐसे ढककर 5 मिनट दम पर रखेंगे। इस पर कोई भारी चीज डाल देंगे, इसे खोल कर देखते हैं, और ये दम लग चुका है, दम लग चुका है, इसे ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे।